जातीय संतुलन बनाया गया है, किस तरह से आप देखते हैं मंत्रिमंडल का गठन हुआ है? ठीक है, उन्होंने जिस तरीके का विस्तार किया है वो सबने उसका स्वागत किया है कि आपने यंग लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी है। हमारे वरिष्ठ धनीराम शांडिल जी भी है उसमें, प्रोफेसर चंद्र कुमार जी भी है, तो उनको भी उन्होंने तवज्जो दी है। और अब इसके बाद लेटर ऑन भी एक दो आई थिंक सीट्स खाली है, उसका भी जहाँ जहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाई है वहाँ उन वहाँ से जुड़े हुए जो विधायक होंगे उनको भी तवज्जो दी जाएगी। कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है तो वहाँ से 10 विधायक कांग्रेस को दिए हैं कांगड़ा जिला में, लेकिन एक मंत्री दिया, क्या आप इन ये रखेंगे कांगड़ा से ज्यादा से ज्यादा? बिल्कुल, वी विल टॉक अबाउट दिस टू द चीफ मिनिस्टर एंड ही विल डेफिनेटली कंसिडर कि इतनी हमारे तादाद में वहाँ से विधायक लोग जीत कर आए हैं तो उनको भी तवज्जो दी जाए। मैम, विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी तक ओपीएस बहाल नहीं की, 1500 की राशि भी नहीं दी और आप ही यहां पर डीजल के रेट बढ़ा दिए हैं। देखिए, आप अभी हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं हुई है, ये तो फर्स्ट कैबिनेट में डिसाइड होगा। फर्स्ट कैबिनेट जब बैठेगी तो उसमें इसका निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से हम ओपीएस को और महिलाओं को जो आर्थिक सहायता देने की हमने बात की है उसकी शुरुआत की जाएगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा।